हेलो एवरीवन, ऋतुराज 97 चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। और आज हमारे साथ रिव्यू के लिए जो गाड़ी है वो है मारुति सुजुकी नेक्सा की, ये गाड़ी है इग्निस। और ये है गाड़ी का दोस्तों बेस वेरिएंट जो है सिग्मा वेरिएंट। तो इसमें 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन आता है गाड़ी का। तो बात करें फ्रंट प्रोफाइल की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको इस तरह से सुजुकी की लोगो मिलती है और इस तरह से क्रोम वर्क भी मिलता है देखने को, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से गाड़ी रहती है फ्रंट में, तो अच्छा सा स्पोर्टी लुक आपको यहाँ आ जाता है। बात करें यहाँ पर हेडलाइट्स की, तो हेडलाइट्स में आपको यहाँ पर कोई भी DRSS नहीं मिलती इग्निस में दोस्तों। DRSS जो है खाली आपको अल्फा वेरिएंट को ही मिलती है, आपको सेकेंड और थर्ड वेरिएंट्स में भी नहीं मिलती। तो ये गाड़ी में ये वेरिएंट में मिलने का कोई चांस ही नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह की आपको लाइट्स मिलती है, फोग लाइट्स आपको नहीं मिलती, आप चाहिए तो डाल सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो दोस्तों, ये जो गाड़ी है ये सेम सिग्मा वेरिएंट है जिसको यहाँ पर फोगलैट्स डाली हुई। तो इस तरह से टायर्स की बात करें तो आपको इस तरह के टायर्स मिलते हैं, व्हील कवर्स वगैरह कोई नहीं मिलते, आप बाद में चाहिए तो डाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इस तरह से टर्न लाइट इंडिकेटर्स मिलता है, जैसे आपको यहाँ पर मिलता है उस तरह से आपको बेस वेरिएंट में नहीं मिलता। ए पिलर की बात करें तो आपको यहाँ पर गाड़ी के कलर का ही मिलता है, ब्लैक वगैरह नहीं मिलता। और बी पिलर की बात करें तो ये भी आपको ब्लैक मिलता है। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंसर्स वगैरह कुछ नहीं मिलते, सिंपल इस तरह के मिल जाते हैं। और ये भी देख सकते हैं, तो पीछे से अगर गाड़ी कुछ इस तरह से है। सेंसर्स तो ऑब्वियसली आपको बेस वेरिएंट में भी अभी मिल जाते हैं, तो ये वेरिएंट में भी आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर टेल लाइट वगैरह आप देख सकते हैं किस तरह से है। यहाँ पर कोई वाइपर डिफॉगर वगैरह कुछ भी नहीं मिलता, स्पॉइलर वगैरह। यहाँ पर आपको सुजुकी की क्रोम में लोगो मिलेगी, इग्निस की बैजिंग भी है। और चलिए मैं आपको बूट स्पेस भी दिखा देता हूँ इसका। तो देखिएगा यहाँ पर पार्सल ट्रे वगैरह कुछ नहीं मिलती, आप चाहिए तो लगा सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रोविजन दिया गया है गाड़ी में, ठीक है। और यहाँ पर आप देखो तो भाई देखिएगा, तो एलॉयज तो नहीं है गाड़ी में, और स्पेयर में भी इस तरह का ही व्हील आपको मिल जाता है। तो चलिए अभी इंटीरियर देखते हैं गाड़ी का, तो इंटीरियर में क्या कुछ है बेस मॉडल में वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर बेस मॉडल में बात करें तो आपको पूरा जो डोर इंटीरियर है पूरा आपको यहाँ पर ब्लैक में मिलता है। और ये आप देख सकते हैं भाई, ये थोड़ा सा अलग लगता है क्योंकि ज़्यादातर मारुति की गाड़ियों में इस तरह का नहीं होता, खाली आपको इग्निस में मिल जाता है। यहाँ पर बात करें तो आपको सिर्फ आगे वाले दो है वही आपको पावर विंडोज़ मिलते हैं, बाकी के जो पीछे वाले दो है वो आपको पावर विंडोज़ नहीं मिलते। ये आप देख सकते हैं डोर हैंडल पूरा आपको ब्लैक में मिलता है, यहाँ पर क्रोम वर्क वगैरह कुछ देखने को नहीं मिलता। और ये जो दोस्तों ORVM है ये आपको मैन्युअली इस तरह से एडजस्ट करने हैं, आप देख सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर कोई भी आपको ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट नहीं मिलती, ठीक है। और चलिएगा अंदर भी देखेंगे क्या कुछ है। तो सीट्स की बात करें तो जो आगे वाले दो सीट्स है उनको आपको हेडरेस्ट एडजस्टमेंट मिलती है, आप देख सकते हैं इस तरह से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और सीट कवर्स वगैरह बाद में चाहिए तो आप डाल सकते हैं। तो फिलहाल ये गाड़ी मैनुअल ट्रांसमिशन में है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्सेलेटर ब्रेक क्लच तीनों आपको मिलता है इस गाड़ी में। और सीट को इस तरह से यहाँ पर एडजस्टमेंट मिलती है, आप फ्यूल लीड खोलने के लिए आपको यहाँ पर प्रोविजन मिलता है, और बोनेट खोलने के लिए यहाँ पर लीवर मिलता है। तो चलिए इंटीरियर भी देखेंगे गाड़ी का क्या कुछ है। तो बात करें स्टेयरिंग की, तो स्टेयरिंग आप देख सकते हैं इस तरह से आपको ये स्टेयरिंग मिलता है, जहाँ पर सुजुकी की लोगो एयरबैग वगैरह है। और यहाँ पर आपको दोनों साइड में कुछ भी यहाँ पर कंट्रोल्स नहीं मिलते, आप देख सकते हैं जैसे कि आप क्रूज कंट्रोल मिलता है आपको कुछ गाड़ियों में, यहाँ पर आपको इंफोटेनमेंट के स्विचेस मिलते, तो ऐसा आपको यहाँ पर इस गाड़ी में कुछ भी नहीं मिलता। तो स्टेयरिंग आप देख सकते हैं बहुत ही लाइट है और छोटा है साइज में। यहाँ पर आपको लाइट के कंट्रोल्स मिलेंगे, यहाँ पर आपको सब वाइपर के कंट्रोल्स मिलेंगे। बात करें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको स्पीड दिखाई गई है जो 200 मैक्सिमम दिखाती है। और ये दोनों साइड में आपको कुछ डिस्प्ले के जो लाइट्स है वो मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको दो नॉब्स मिलते हैं, जो ट्रिप मीटर वगैरह होता है वो सब आप इस पर सेट कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो है डिस्प्ले, इसके आप लाइट की जो मतलब कितनी ब्राइटनेस चाहिए वो आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बाकी के सब डिटेल्स जैसे कि टाइम, गाड़ी कितने किलोमीटर चली हुई है, माइलेज का है, ये सब आपको पता चलता है। बात करें एसी वेंट्स की, तो एसी वेंट्स आप देख सकते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर जो मिलता है ये राउंड वाला मिलता है, दोनों साइड से इस तरह से आपको राउंड वाला मिल जाए। और यहाँ पर जो मिलता है ये साइज आप देख सकते हैं, ये है रेक्टेंगल डिजाइन में इस तरह से, और छोटी सी है बहुत साइज। तो यहाँ पर कोई भी इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको नहीं मिलता, जो आप बाद में डाल सकते हैं। अगर आपको छोटा वाला चाहिए तो वो भी डाल सकते हैं, बड़ा वाला चाहिए तो आप टच स्क्रीन भी डाल सकते हैं। बात करें यहाँ पर की, तो यहाँ पर आपको इस तरह से हजार ट्रेंगल मिल जाता है देखिए इस तरह से। और यहाँ पर आपको तीन डायल गेजेस मिलते हैं यहाँ पर, जैसे कि आपको मारुति की सभी गाड़ियों में मिलता है। यहाँ पर एसी का बटन है, तो यहाँ पर आप फैन की मतलब कितनी कूलिंग चाहिए वो सेट कर सकते हैं, गर्म हवा ठंड हवा दोनों सेट कर सकते हैं, कौन से वेंट से भाई एसी चाहिए वो आप सेट कर सकते हैं, तो ये सब आपको दिया गया है। यहाँ पर ये ब्लैंक मिलता है, और यहाँ पर आपको ये 12 वोल्ट का डीसी चार्जिंग प्रोविजन भी दिया गया है। तो यहाँ पर स्पेस मिलती है, तो आप अपनी गाड़ी की चाबी या फिर मोबाइल वगैरह कुछ भी रखना हो तो आप रख सकते हैं। बात करें गियर की, तो यहाँ पर सिंपल सिंगल टोन में आपको गियर मिलता है, जो है 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन वाला गियर बॉक्स आप देख सकते हैं किस तरह से। हैंड ब्रेक की बात करें तो यहाँ पर पूरा आपको ब्लैक में मिलता है, और यहाँ पर भी थोड़ी सी स्पेस मिल जाती है। और यहाँ पर दोस्तों थोड़ी सी ऐसी स्पेस है, बहुत कम स्पेस है, ऐसे ही रखा गया, छोटे बच्चे वगैरह जब बैठे तो भाई यहाँ पर हाथ रख के बैठ सकते हैं। यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर भी आप थोड़ा सा सामान वगैरह रख सकते हैं। तो ये साइड का भी इंटीरियर आप देख सकते हैं किस तरह से, तो यहाँ पर इस तरह से आपको ग्रैब हैंडल मिलता है, देख सकते हैं किस तरह से। और ये लाइट भाई येल्लो है, वाइट नहीं है। तो यहाँ पर सनसेट्स भी मिलते हैं, और इसमें ऑब्वियसली वैनिटी मिरर तो नहीं है बेस मॉडल में, और रियर व्यू मिरर तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो कुछ इस तरह से है गाड़ी का इंटीरियर। तो चलिए अभी सेकेंड रो में जाएंगे और देखेंगे यहाँ पर क्या कुछ है आपको सेकेंड रो में गाड़ी की।
तो सेकेंड रो के डोर इंटीरियर की बात करें तो जैसे मैंने आपको बोला ये बेज मॉडल में आपको फ्रंट वाले दो ही पावर विंडोज मिलते हैं और यहाँ पर कोई भी पावर विंडो आपको नहीं मिलता, तो इस तरह से आप मैन्युअली इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। स्पीकर्स की बात करें तो यहाँ पर भी आपको स्पीकर्स मिलते हैं और यहाँ पर बॉटल होल्डर की बात करें तो यहाँ अच्छा खासा आपको बॉटल होल्डर के लिए स्पेस मिलता है। जहाँ पर अगर हम यहाँ बात करें तो थोड़ी सी जगह ज़्यादा मिलती है, आप देख सकते हैं कंपेयर टू रियर डोर्स, और यहाँ पर भी आप कुछ फाइल्स वगैरह रख सकते हैं गाड़ी में। तो यहाँ पर सीट्स की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ तो पीछे आपको बेस मॉडल में यहाँ पर एडजस्टिंग हेडरेस्ट नहीं मिलता, तो ये फिक्स है दोनों आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको कोई भी एडजस्टिंग यहाँ पर आर्मरेस्ट वगैरह नहीं मिलता, पूरा एक ही सीट आप देख सकते हैं। और आपको यहाँ पर पार्सल ट्रे वगैरह कुछ नहीं मिलता, तो बाद में आप एसेसरी में चाहे तो लगा सकते हैं। तो चलिए पीछे बैठ के भी देखेंगे गाड़ी किस तरह से। तो यहाँ पर पीछे बैठने के बाद आपको यहाँ पर बेस मॉडल में कोई भी डीसी चार्जिंग सॉकेट या फिर यहाँ पर एसी वेंट नहीं मिलता, यहाँ पर आप बॉटल वगैरह रख सकते हैं। तो पीछे से कुछ इस तरह दिखती है गाड़ी का डैशबोर्ड वगैरह, आप देख सकते हैं देखिएगा तो इस तरह से। तो यहाँ पर भी आपको इस तरह के ग्रैब हैंडल मिलता है और ये साइड में मिल जाता है। सीट बेल्ट ऑब्वियसली आपको यहाँ पर भी मिलता है और सेंटर में बैठा है भाई उसके लिए भी सीट बेल्ट है, यहाँ पर उन्होंने हज़ार ट्रेंगल वगैरह रखा है। तो ये बेस मॉडल है दोस्तों और इसका एक्सशोरूम प्राइस है 4.89 लाख रुपीज़। तो ये है बेस मॉडल गाड़ी का जो हमने आज दिखाया आपको, इग्निस 2021 न्यू इग्निस का बेस मॉडल सिग्मा वेरियंट का। तो कैसा लगा आपको ये मॉडल आप बोल सकते हैं भाई, और वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरा चैनल दोस्तों सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऑटोमोटिव रिलेटेड अलग अलग टॉपिक पर व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून, अगला वीडियो जरूर आएगा जल्दी।